नमस्कार, मैं रितेश डागरा, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आज हम मौजूद हैं पलवल जिले के गांव बावनी खेड़ा के स्कूल एसएम कॉन्वेंट स्कूल में। आज यहां हरियाणा सरकार ने पहली कक्षा से नौवीं कक्षा तक के जो स्कूल खोल दिए हैं उनके बारे में क्या गाइडलाइंस है, इनके बारे में हम राय लेंगे स्कूल के प्रबंधक और स्कूल के बच्चों से। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा चिराग नाम है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? एसएम कॉन्वेंट स्कूल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेवेंथ। बेटा, जो ये सरकार ने फैसला लिया है फर्स्ट क्लास से नाइन्थ क्लास तक स्कूल खोल दिए हैं, वो सरकार ने सही किया है? सर यस। आपने ऑनलाइन क्लासेस ली थी? सर यस। ऑनलाइन क्लासेस में आपको कुछ प्रॉब्लम आई? सर, जो प्रॉब्लम आती थी उसे हम सर से समझ लेते थे। सर से समझ लेते थे तो नेटवर्क अच्छा होता था? सर यस। कोई परेशानी तो नहीं आई आपको? फोन वगैरह आपके पास सब कुछ था? सर यस। तो ऑनलाइन क्लासेस आपने सारी ली? सर यस। कौन सा मोड बेटर ज्यादा बेटर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन। लेकिन बेटा ऑफलाइन में तो टीचर सामने से आपको समझा देते हैं, ऑनलाइन में इतना समझ नहीं आता, कनेक्शन भी खराब हो जाता है कई बार, तो ऑफलाइन अच्छा होगा? ऑफलाइन अच्छा है। जी, मेरा नाम रवि शर्मा है, मैं एसएम कॉन्वेंट स्कूल बावनीखेड़ा का प्रिंसिपल हूँ। सर, जो सरकार ने फैसला लिया है फर्स्ट क्लास से लेकर और नाइन्थ क्लास तक खोल दिया गया है स्कूलों को, कोविड की थर्ड वेव को माना जा रहा था कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इसलिए सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया था। अभी आप सर बच्चों को कैसे फॉलो करा रहे हैं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग? देखिए, जो गवर्नमेंट का फैसला था फर्स्ट टू नाइन्थ खुले हुए हैं स्कूल, तो हमने भी 10th फेब से खोल दिए हैं, लेकिन उसके साथ में हमने जो सारी गाइडलाइन है वो फॉलो की है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, एक बेंच है तो उस पर एक स्टूडेंट है, और उसके बाद में हैंड सैनिटाइजर है और मास्क है, वो सारी प्रिकॉशन जो हमने हैं सारी यूज कर रहे हैं। तो सर, अभी जैसे देखा जा रहा है बच्चों को काफी एक ब्रेक के बाद बुलाया है, यस सर, तो बच्चों के बिहेवियर में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं? बच्चों का बिहेवियर तो सर बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि लगभग देखा जाए तो पिछले लगभग 2 साल में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 महीने स्कूल खुले हैं जी। वो भी बीच में थोड़ा टाइम खुले थे, वो भी छोटे बच्चों के नहीं खुल पाए थे, कुछ टाइम के लिए खुले थे, 9th, 10th और 11th ये तो खुले थे, बाकी छोटे बच्चों की क्लासेस तो चली नहीं थी, तो बच्चों का बिहेव तो ये बहुत कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि जो स्कूल से बिल्कुल दूर हो चुके हैं बच्चे, चाहे पढ़ाई से लेकर हो या बच्चों का वैसा बिहेवियर हो या रिस्पेक्ट हो, जो भी हो सारा बहुत कुछ चेंज हो चुका है सर। जैसा कि सर बच्चों का अभी एग्जाम में काफी टाइम नहीं है, मुश्किल से 1 या 1.5 महीना है, तो सर आपने टीचर्स को क्या बोला है कि किस तरह से बच्चों को प्रिपेयर किया जाए? देखिए, हमने इसमें क्या किया है, जो लगभग हमारे पास तो बोर्ड क्लासेस तो अभी 8th ही है जी, 8th क्लास तक है अपना स्कूल जी, तो इसमें बोर्ड क्लास के लिए हमने स्पेशल टीचर बुलाई है जी, जिसके लिए उन पढ़ाई का ज्यादा टाइम दिया जा रहा है, साइंस के लिए 2 टीचर कर दी गई हैं जी, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री का अलग और बायो की अलग है जी, तो और जो 7th क्लास 6th है वो भी बड़ी क्लासेस में ही आती है, जैसे 2 साल से बंद रहे तो सभी के लिए हमने अलग से, और जो 8th क्लास है उसकी एक्स्ट्रा क्लास भी स्टार्ट कर दी है जी। तो सर बच्चों को स्कूल्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जा रही हैं? हाँ जी सर, 8th क्लास की एक्स्ट्रा क्लासेस तो स्टार्ट हो गई हैं, और मुझे लगता है कि अब हमें 7th और 6th को भी थोड़ा, जैसे 2 बजे तक स्कूल रहता है उससे अलग पढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि पुराना जो 2 क्लास गई है वो कवर होने का एक यही तरीका है कि बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए। सिलेबस कैसे कम्प्लीट करा रही हो सर? सिलेबस सर फिलहाल तो सारा सिलेबस तो नहीं हो पा रहा है जी, लेकिन और उसका भी फायदा नहीं है कि एक बार सारा करा दें जल्दी जल्दी, तो हमने ये देखा है कि जो बेसिक चीजें हैं, जो मेन टॉपिक हैं, जैसे कि सब्जेक्ट हिंदी है जी, तो जी। उसमें हिंदी में ग्रामर पे ज्यादा फोकस है जी, और चैप्टर सारे तो नहीं हो पाएंगे, कम चैप्टर कराए जा रहे हैं, ऐसा ही हिंदी में इंग्लिश में है सेम, जो रीडर है उस पे कम फोकस है, करा रहे हैं लेकिन ज्यादा नहीं करा रहे हैं जी, ग्रामर पे ज्यादा फोकस है, मैथ में कोई रिस्क ले नहीं सकते, मैथ सारा कराया जा रहा है सर जी। तो सर सिलेबस को थोड़ा कन्वर्ट करके तब आप बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए? हाँ जी सर, पूरी प्री प्लानिंग के साथ, मतलब जो बंद हुआ है उसमें जब खुलने के लिए गाइडलाइन आ गई थी कि खुलेंगे, तो पूरी प्लान किया गया है कि जिस तरह से बच्चे 2 साल या 1.5 साल स्कूल से दूर रहे हैं, किस तरह से बच्चों को दोबारा से उस मुकाम तक लाया जाएगी जिससे कि वो अच्छे से पढ़ सके और मार्क्स ला सके। सर, बच्चों की कैचिंग पावर कैसी है पिछले 2 साल के मुकाबले?
बच्चों की कैचिंग पावर सर देखो फर्क तो पड़ा है क्योंकि इतना टाइम बंद रहा है जी। पर लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने ध्यान दिया है, ट्यूशन भी लगवाए हैं और बाकी बच्चे जैसे ऑनलाइन क्लासेस दी गई थी जी। तो लेकिन परसेंटेज लगभग 30% बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से घर पे पढ़े हैं, डाउट भी लिए हैं उन्होंने ऑनलाइन में दोबारा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास यदि 2 बजे तक है ना तो उसके बाद भी सारे टीचर्स को बोल दिया गया था कि यदि कोई बच्चा डाउट लेता है तो वो ले सकता है। हरियाणा सरकार से सर आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए मैं तो सरकार से एक अपील करना चाहूँगा कि फिलहाल जो स्कूल खुल गए हैं इन स्कूलों को अच्छे से खुले रहने दें, जिससे कि बच्चों को पढ़ाई कराई जा सके, अच्छे से उनका बेस बनाया जा सके। अब जो टाइम निकल चुका है उसका तो भरपाई की नहीं जा सकती, लेकिन मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि स्कूलों को फिलहाल रेगुलर चलाने दिया जाए, अब बिल्कुल भी बंद नहीं कराएं। बच्चों की पढ़ाई से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाए। हाँ जी सर, बच्चों की पढ़ाई से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाए। चल चल चल। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? SM गवर्नमेंट स्कूल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में। बेटा ऑनलाइन क्लासेस ली थी आपने? सर यस। तो ऑनलाइन क्लास लेना अच्छा लगता है आपको? अभी जैसे स्कूल आ रहे हो आप, ऑफलाइन आना अच्छा लगता है? सर जो हम स्कूल आ रहे हैं ये अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है, ऑफलाइन मोड अच्छा लगता है? सर वो क्यों बेटा? सर क्योंकि जो हमारा जो हमने ऑनलाइन ली थी जो क्लास, क्योंकि जब हम जो हमारा डाउट होता वो हमारे क्लियर नहीं हो पाता, जब हमारी जो हमारे टीचर हमें हमारे सामने होती है तो हम उनसे अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं। क्लियर कर लेते हैं मतलब टीचर सामने होता है तो अच्छे से समझ में आता है। बेटा ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी आपको? सर जैसे मैम ने कुछ क्वेश्चन पुटअप किया, मैथ का किया, हमें कुछ पूछना है यदि हमारे नेटवर्क फोन में नहीं आ रहे हैं, नेट खत्म हो गया है, तो इसी कारण हमें प्रॉब्लम्स रहती थी, प्रॉब्लम्स बनी रहती थी, कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाता, इसलिए ऑफलाइन मोड ज्यादा अच्छा है। तो बेटे जो सरकार ने ये फैसला लिया है जो स्कूलों को खोल दिया है तो ये अच्छा किया है सरकार ने, आप सहमत हो? वेरी गुड। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? SM कॉन्वेंट स्कूल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में। बेटा आपने ऑनलाइन क्लासेस ली थी? यस। तो क्या प्रॉब्लम आई आपको? वो पढ़ने में मतलब हमको प्रॉब्लम आती थी, ऐसे यहाँ स्कूल में डाउट क्लियर कर लेते हैं, मैम सामने रहती है तो वहाँ ऐसे ऑनलाइन में हम डाउट क्लियर नहीं करते, क्लियर नहीं हो पाते थे, यहाँ टीचर अच्छे से समझा देते हैं। तो मतलब ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा अच्छे हैं आपके लिए। ऑनलाइन क्लासेस में बेटा कोई और प्रॉब्लम आई आपको, जैसे कि नेटवर्क हो या आपके पास कोई फोन वगैरह की कोई दिक्कत हो? फोन वगैरह की तो नहीं, पर नेटवर्क कभी कभी मतलब ऐसे स्कूल, हमें ऑफलाइन स्कूल बहुत अच्छा, ऑफलाइन स्कूल अच्छा लगता है। वेरी गुड बेटा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे सरकार ने अभी स्कूलों को खोल दिया है फिर से, तो आप जो किस तरह से कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो, जैसे कि मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना, ये आप रूटीन में करते हो? यस। रूटीन में ऐसे रोजाना डेली डिस्टेंस से बैठते हो? यस। बेटा क्या नाम है? कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8th। आपके स्कूल का क्या नाम है? SM कॉन्वेंट स्कूल। बेटा आपने ऑनलाइन क्लासेस ली थी? सर यस। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आपको? सर उसमें मतलब जो डाउट होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास मतलब ऑफलाइन जो हमारी क्लास लगती है स्कूल में, उसमें हम टीचर से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन की जगह पे बेटर है, आप ये कहना चाहते हो? तो बेटे जो सरकार ने ये फैसला लिया है आप उससे सहमत हो? सर मतलब अच्छा किया है सरकार ने, स्कूलों को खोलना चाहिए। सर जैसे कि देखा गया है अभी जो बच्चे हैं उनका सिलेबस काफी पेंडिंग है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, तो आप कैसे कवर कर रहे हो उसको? सर जो मतलब हमारे पहले डाउट्स थे उनको हम क्लियर कर रहे हैं, सर से पूछ रहे हैं, मैम से पूछ रहे हैं, और जो मतलब अब हो रहा है उसको भी मैम अच्छे से समझाती हैं, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें हमको समझ नहीं आता और उसमें समझ में नहीं आ रहा। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी बेटे आपको? सर जैसे मैम ने कोई क्वेश्चन किया है तो वो मतलब अच्छे से समझ में नहीं आता था, लेकिन अब जब हम आमने सामने होते हैं तो मैम से अच्छे से समझ में। तो ऑनलाइन क्लासेस में कई बार कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है कि नेटवर्क नहीं होते हैं या ठीक है बेटा। दीक्षा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। स्कूल का क्या नाम है? SM कॉन्वेंट स्कूल। बेटे अभी जो सरकार ने फैसला लिया है 1st क्लास से 9th क्लास तक स्कूलों को खोल दिया गया है, सरकार ने सही किया? यस सर। क्यों बेटा? क्योंकि ऑफलाइन में हमें ज्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि टीचर सामने होता है तो हमें डायरेक्ट समझ में आ जाता है, हमसे हर टॉपिक क्लियर कर पाते हैं। ऑनलाइन क्लास में वो सब नहीं हो पाता है। हाँ।
तो बेटा जैसे कि अभी देखा जा रहा है कोविड की जो थर्ड वेव है वो बच्चों के लिए काफी हार्मफुल है, तो आप कैसे प्रिकॉशन ले रहे हो? सर हम मास्क वेयर कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर कर, एक बेंच पे एक बैठ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से बैठते हो? यस सर। अच्छा बेटा, अच्छा एक बात बताओ, जो सरकार ने फैसला लिया है फर्स्ट क्लास से और नाइन्थ क्लास तक स्कूलों को खोल दिया गया है, तो ये सरकार ने सही किया है? यस सर। बेटे जैसे जो सरकार ने लास्ट टू वेव्स में किया था कोविड की, जो लॉकडाउन में बच्चे को प्रमोट कर दिया जाता था बिजनेस बिना एग्जाम के ऐसे ही, तो क्या ये सही किया सरकार ने? सर नहीं। क्यों बेटा? सर इससे हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, उसमें इतना कन्वर्ट नहीं हो पाता है जो मैम देती है, समझाती है, अगर आगे प्रमोट किए तो सब वो हो जाएगा सर, कवर नहीं हो पाता फिर, इतना कॉन्सेंट्रेट आप कर नहीं पाओगे रीडिंग पे। यस सर। तो ऑफलाइन क्लासेस ही एक मेन सॉल्यूशन है? यस सर, इससे हमें समझ रहे। बेटा आप सभी लोग हाथ खड़े करके बताइएगा, क्या आप सभी सहमत हो सरकार के इस फैसले से? क्या आपको स्कूल की तरफ से किसी तरह से परेशान तो नहीं किया जाता फीस के लिए?